नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। आज के सत्ताधारी जानते हैं कि वो भविष्य में फिर कभी वापस नहीं चुने जाएंगे, इसीलिए वो जाते जाते उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात पैदा कर देना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई निवेश करने की इच्छा ना करने पाए। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने लोन वितरण और रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि आज माफिया गिड़गिड़ा रहे हैं और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले सजा भुगतेंगे। सीएम योगी ने कहा कि आज के उत्तर प्रदेश में व्यापारी की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता, किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, कहीं खनन माफिया भी था, कहीं वन माफिया भी था, कहीं पशु माफिया भी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहज साम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बकस दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। आखिर अयोध्या में 500 वर्षों तक क्यों हमें इंतजार करना पड़ा था, क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई थी, क्यों प्रभु राम लला के भव्य मंदिर को तोड़ करके आक्रांताओं ने एक गुलामी का ढांचा खड़ा कर दिया था। कारण एक ही है और निवारण भी एक ही है, बंटे थे इसलिए कटे थे। और मैं फिर आपसे कहूंगा, बंटिए मत, एकजुट होकर के विकास और सुरक्षा के इस माहौल में आगे बढ़िए। ये डबल इंजन की सरकार आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ी होकर के आपके वर्तमान को भी सुधारेगी और भविष्य को भी उज्जवल बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। सुल्तानपुर के भारत ज्वेलर्स की दुकान में हुई डकैती के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल यूपी पुलिस के एसटीएफ और डकैती से आरोपियों के बीच उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हो गई। इस एनकाउंटर में अनुज प्रताप सिंह नाम के आरोपी को ढेर कर दिया गया। बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में हुई है। बता दें कि सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में लूटपाट के आरोपी मंगेश यादव का 5 सितंबर को एनकाउंटर हुआ था। उसके बाद आज डकैती में शामिल अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हुआ। या आपको ये भी बता दें कि अचलगंज थाना क्षेत्र के बेथर में जब बदमाश के सिर पर गोली लगी तो उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अचलगंज थाना क्षेत्र जनपद उन्नाव में लखनऊ एसटीएफ टीम में बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ, वह दूसरा बदमाश जो है मौके का फायदा उठाकर भाग गया। जो घायल अभियुक्त था उसको प्रथम उपचार हेतु सीएचसी ले जाया गया, उसके बाद उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां डॉक्टर्स के द्वारा उसको मृत घोषित किया गया। इस बदमाश की पहचान जो है वो अनुज प्रताप सिंह सन्नोक धर्मराज सिंह जनपद अमेठी से हुई है। यह बदमाश 1,00,000 का इनामी अपराधी था। वह सुल्तानपुर में हुई डकैती की घटना में वांछित चल रहा था।
इस बदमाश के विरुद्ध पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और जो मौके से है उसमें 2 पिस्टल, 7 खोखा कारतूस, 3 जिंदा कारतूस तथा 1 बैग बरामद हुआ है जिसमें चांदी की जो ज्वेलरी है वो मौजूद थी और मौके से ही एक मोटरसाइकिल। प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में बीते 28 अगस्त को सराफा कारोबारी के यहाँ डकैती की घटना में शामिल एक एक अभियुक्त को उत्तर प्रदेश पुलिस ठिकाने लगाने में जुटी हुई है। अमेठी के मोहनगंज थाना क्षेत्र के जनापुर गांव के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह को एसटीएफ की टीम ने उन्नाव में मुठभेड़ में मार गिराया है। डकैती कांड में शामिल 3 अभियुक्त अभी फरार चल रहे हैं, अरबाज, फुरकान और अंकित, जिनमें 2 अमेठी के रहने वाले हैं तो 1 प्रतापगढ़ का रहने वाला है। अब तक डकैती कांड में शामिल 9 अभियुक्तों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है। मुठभेड़ में एसटीएफ कमांडो रवि के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक अनुज प्रताप सिंह ने एसटीएफ के सिपाही पर फायरिंग की, इसमें हेड कांस्टेबल रवि वर्मा के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी और वो बाल बाल बच गए। उन्नाव में सुल्तानपुर के इनामी बदमाश से मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के जो जवान कमांडर थे उनके भी गोली बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी थी। उनसे जानते क्या घटना हुई। पहले से पता था कि उच्चाधिकारी आदेश दिए थे बदमाश आ रहे हैं, हम लोग उसको पकड़ने के घेराबंदी के दिन लगे थे। जब पकड़ने के लिए गया तो भागा, एक बदमाश भागा, दूसरा भारी करते हुए भागा, मैं आगे था लेकर सुनने का गोली चलाया पहले। बाकी इससे ज़्यादा जब आप बड़े अफसर लोग बैठे हैं सब एक छोटा सा सवाल नवीन, आपके गोली किस जगह पर बोले पर लगी थी। सामने देखिए सामने स्क्वायर के साथ सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद अनुज के पिता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ठाकुर का एनकाउंटर होने से अखिलेश की इच्छा पूरी हुई। अनुज प्रताप सिंह मेरा लड़का था, उसका सूरत में सिर्फ एक ही केस था और बाकी सुल्तानपुर में नाम था। पुलिस ने उसको एनकाउंटर करके मृत घोषित कर दिया। अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का एनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। तो नाउ एनकाउंटर पर सियासत भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं, अकाउंट सेटल एनकाउंटर है ये कहना है समाजवादी पार्टी का। एक डकैती में कितनी कहानी आएगी, समाजवादी पार्टी ने सवाल भी खड़ा किया। ये एनकाउंटर सोच समझ कर किया गया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से यह आरोप लगाया गया। देखिए अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस, योगी जी की एसटीएफ अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है। आप सोचिए एक घटना में एसटीएफ कितनी थ्योरी लेकर के आएगी। जब अपनी थ्योरी में फंस गई मंगेश यादव की हत्याकांड में तो नई नई थ्योरी, कभी कहते हैं कि हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, मुख्य आरोपी सरेंडर कर गया, हमने मुख्य आरोपी को हाफ इनकाउंटर कर दिया, हमने इनकाउंटर कर दिया। आज फिर आप खाता बही सही करने के लिए जब आपने बड़ी संख्या में पीडीए समाज के लोगों का इनकाउंटर कर दिया तो आप खाता बही सही कर रहे हैं। इनकाउंटर के खिलाफ हमेशा समाजवादी पार्टी रही है। पुलिस इनकाउंटर नहीं कर सकती, इनकाउंटर के नाम पर हत्या नहीं कर सकती है, न्यायपालिका कहाँ है? और पुलिस का तो पागलपन है उत्तर प्रदेश में, नई नई थ्योरी ला कर के अपनी थ्योरी में फंसती जा रही है। ये इनकाउंटर भी सोच समझ करके पुलिस ने किया है। सुल्तानपुर में हुए सराफा लूटकांड का एक और आरोपी अनुज प्रताप सिंह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार जब अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो जाति और धर्म का चश्मा नहीं चढ़ाती है बल्कि अपराधी को दंड मिले इसके लिए काम करती है। हाँ, उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो अपराधियों और माफियाओं के संरक्षण करता है वो जरूर जाति धर्म का चश्मा लगाकर अपराधियों को संरक्षण देते हैं। यहां तक तो मंगेश यादव एनकाउंटर पर सियासत अभी थमी भी नहीं थी कि अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर ने भी कई सियासी हवाओं को बिखेर दिया है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर ने इस एनकाउंटर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा। ये जांच एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त
आज के दिन में आप देखो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है, अगर जात अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा, अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। इस तरीके से आज के दिन उन्हें जवाब देना चाहिए। चूंकि जातिवाद को मुद्दा बनाया है अखिलेश जी ने, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था, लेकिन वो तो बोल नहीं रहे हैं। अब जैसा आप बता रहे हैं कि अब दूसरा एक ठाकुर मारा गया है, अब इस पे देखिए उनकी बयान क्या आते हैं कि ये तो गलत हो गया कि सही हुआ है, अब तो वही बता सकते हैं चूंकि उसके वो मास्टर हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार संकल्पित है, कानून व्यवस्था के आधार पर आगे हम कार्रवाई करते रहेंगे और उसी हिसाब से पुलिस आगे बढ़ रही है, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई चलती रहेगी। हमारी सरकार संकल्पित है और देश में कानून का राज हो, राज्य में कानून का राज हो और सब लोग सुख चैन के साथ अपना जीवन निर्वहन करें, ये हमारी अपेक्षा है और जनता ने चुना है भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी की और मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार अपराध पर और अपराधियों के प्रति कठोर है और उसी कठोरता के आधार पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। वह एनकाउंटर पर एसपी की प्रतिक्रिया को लेकर मोहसिन रजा ने तीखा निशाना साधा है। एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा, क्योंकि उनकी तो समाजवाद की परिभाषा यही है, ये तुष्टिकरण और संप्रदायवाद की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए वो इस तरह के ट्वीट और रिएक्शन दिया करते हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट की बात सामने आने के बाद राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में भी भोग प्रसाद चढ़ाने की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। मंदिर की व्यवस्थापक महंत दिव्यागिरी ने दुकानों से लिए गए प्रसाद से भोग लगाने पर रोक लगा दी है। सिर्फ घर से बनाकर लाए गए भोग प्रसाद, फल और सूखे मेवे को ही भगवान को अर्पित किया जा सकेगा। दिव्यागिरी जी, क्या बदलाव किया गया आज से? देखिए, आंध्र प्रदेश के जो तिरुपति मंदिर में मिलावटी प्रसाद मिला उसको संज्ञान में लेते हुए आज चूंकि हम लोगों का मुख्य दिन सोमवार होता है और अधिक संख्या में प्रसाद और दर्शनार्थी आते हैं, तो उन लोगों से हम लोगों ने अपील के तौर पे ये अनुरोध किया है कि आप स्वयं जो आपके घर में बन सकता है घी, या महिलाएं जो थोड़ा बहुत घी निकालती हैं अगर उसका प्रसाद बनता है तो वो लाएं, अगर वो नहीं निर्मित हो सकता है घर में तो आप सूखे प्रसाद को रख सकते हैं, आप फल रख सकते हैं, आप उसका ही भोग भोलेनाथ को अर्पित करें, अन्य कोई भी प्रसाद आप बाहर से ना लें, क्योंकि 1,000 या 2,000 रुपये लीटर आप घी नहीं ला सकते हैं। बाजार में भी जब आप लेने जाते हैं तो पूजा के तौर पर जो घी रखा जाता है वो निकृष्ट से निकृष्ट रूप में होता है और वो 200-300 रुपये जो 1,000 या 2,000 में है वो आपको 200 या 300 में मिल रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं वो बहुत ही विशुद्ध है, तो आप उसका ना सेवन करें ना आप अपने इष्ट के लिए उसको निर्मित सामान में लाएं और कोशिश करें कि आप सूखा प्रसाद चढ़ाएं। तिरुपति बालाजी प्रसाद विवाद पर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान आया है। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से सख्त कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भूपेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि यह साजिश भी हो सकती है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में इस तरह की विषय आया है और आंध्र प्रदेश सरकार इस पर व्यापक स्तर पर जांच कर रही है और मुझे विश्वास है कि जो भी दोषी होगा जिसके उन सबके खिलाफ सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी। इसके पीछे एक षड्यंत्र भी हो सकता है हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, तो
तो सारे एंगल पर सरकार को जांच कराकर और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा सरकार से, वहां की राज्य सरकार से आग्रह। तिरुपति मंदिर के प्रसाद पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब प्रयागराज से स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया है, उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, साथ ही मंदिर के संत महंत और धर्माचार्यों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर से भी इस तरह की खबर आई है। देश में सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं का केंद्र बिंदु सुप्रसिद्ध मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर में जानवरों की चर्बी से मिला हुआ प्रसाद का दिया जाना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मंदिर के परिसर में प्रसाद या प्रसाद की सामग्री बिना वहां के धर्माचार्य संत महंत पंडित पुजारियों की अनुमति के अंदर जा ही नहीं सकता। इसका मतलब है इन पंडित पुजारियों संत महंत धर्माचार्यों का चर्बी मिले हुए प्रसाद के वितरण में कहीं न कहीं मिली भगत। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द उठेंगे कुछ और खबरों के साथ।